नमस्कार दोस्तों आई एम डॉक्टर अजय गोयल कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन आई एम डायरेक्टर ऑफ किडनी केयर सेंटर विच इज़ लोकेटेड इन पंचकुला एंड डीलिंग विद किडनी डिजीज आज मैं आपको कुछ जानकारी किडनी डिजीज से रिलेटेड देना चाहूंगा जो कि आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि किडनीज होती क्या हैं ये दो ऑर्गन्स होते हैं लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की हर हर व्यक्ति में दो किडनीज नॉर्मली मौजूद होती हैं जो कि हमारे यहाँ बैक साइड पे प्लेस्ड होती हैं बॉडी में किडनीज़ जो हैं बेसिकली हम आ, ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करती हैं इसके अलावा किडनी के कुछ और फंक्शंस भी हैं जैसे कि आ, ब्लड हीमोग्लोबिन मेंटेन करना बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करना ब्लड में एसिड बेस लेवल को मेंटेन करना और आ, इसके अलावा आ, पानी की मात्रा बॉडी में रेगुलेट करने का काम भी किडनीज़ का ही होता है तो जब किडनीज का फंक्शन कम हो जाता है तो उसको हम आम भाषा में आप लोगों ने जैसे सुना होगा किडनी फेलियर भी बोलते हैं ये इसकी बेसिकली अलग अलग स्टेजेस होती हैं अर्ली स्टेज भी होती है और बहुत सारे पेशेंट्स में लेट स्टेज होती है जब फर्स्ट टाइम हमारे पास कोई पेशेंट किडनी फंक्शन कम लेके आता है तो हम उसको डिजीज़ को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं एक बोलते हैं एक्यूट डिजीज़ एक बोलते हैं क्रोनिक डिजीज एक्यूट डिजीज का मतलब है कि किडनी का फंक्शन अभी अभी रिसेंटली कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों के बीच में अफेक्ट हुआ है और क्रोनिक का मतलब है कि ये किडनी की प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है तीन महीने से ज्यादा और इसको हो सकता है कि कई साल भी हो गए हो दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको डिफ्रेंशिएट करना क्योंकि अगर हम एक्यूट स्टेज पे प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लें तो वो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं और किडनी को नॉर्मल करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन अगर किडनी प्रॉब्लम क्रोनिक हो चुकी है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है इसको डिफरेंशिएट करने का क्योंकि अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया तो उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं लेकिन क्रोनिक में जो डैमेज किडनी को हो चुका है वो रिवर्स नहीं होगा उस केस में हम कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े उसको स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं तो अगर पेशेंट अर्ली स्टेज पे आता है तो हम उसको कॉज आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं नॉर्मल कर देते हैं अगर डिजीज क्रोनिक हो चुकी है तो उसको हम आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं तो जब ये क्रोनिक किडनी डिजीज होती है जब इस स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आता है वो भी हम अलग अलग किडनी के फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं जी एफ फिल्ट्रेशन रेट उसकी जो बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि किडनी का फंक्शन कितना है और उसी के हिसाब से किडनी की स्टेज डिसाइड होती है तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है मतलब आप अगर आम भाषा में अगर समझना चाहें इसको तो इस तरह से समझ सकते हैं अर्ली स्टेज और लेट स्टेज अर्ली स्टेज में ये होता है कि हम लोग सिर्फ दवाइयों से ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं दवाइयों का मतलब कुछ टैबलेट्स की फॉर्म में या कैप्सूल्स की फॉर्म में या कुछ इंजेक्शन की फॉर्म में लेट स्टेज का मतलब काफी एडवांस स्टेज है जहां पे किडनीज दोनों बिल्कुल काम करना बंद कर देती हैं उस स्टेज पे हम किडनी के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास दो तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता है एक होता है डायलिसिस और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस भी दो तरह का पॉसिबल है एक होता है हीमोडायलिसिस जिसमें कि मशीन से हम डायरेक्ट ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस जो कि हम यहाँ पे पेट के पास में नाभि के आसपास एक कैथेटर लगा देते हैं जिससे कि पानी पेट के अंदर जाता है सफाई करता है और वो बाहर निकल आता है वो पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर पर कर सकते हैं दिन में तीन बार उसका एक्सचेंज करना पड़ता है इसके अलावा जो मैंने ट्रीटमेंट बताया किडनी ट्रांसप्लांट जो कि इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें किडनी uh, ट्रांसप्लांट भी दो तरह का होता है एक होता है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट एक होता है डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट वो होता है जिसमें कि कोई लिविंग uh, पर्सन अपनी एक किडनी किडनी फेलियर पेशेंट को दे सकता है इससे uh, लेने वाले की भी जिंदगी बच जाती है और देने वाले के पास भी एक किडनी रह जाती है और उसकी लाइफ भी नॉर्मल चल सकती है तो आमतौर पर इंडिया की के लॉ के हिसाब से हम लिविंग पर्सन से ही रिलेटेड uh, पर्सन से ही किडनी लेते हैं फैमिली मेंबर कोई भी जिसका ग्रुप मैचिंग हो वो किडनी दे सकता है आजकल बिना ग्रुप मैचिंग वाले ट्रांसप्लांट भी होने लगे हैं जो दूसरी कैटेगरी मैंने किडनी ट्रांसप्लांट की बताई थी जो कि डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट है डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी uh, मृत्यु हो गई है या होने की संभावना है आने वाले समय में यानी कि उसका वो ब्रेन डेड हो चुका है ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है किसी एक्सीडेंट की वजह से या स्ट्रोक की वजह से या किसी ब्रेन ट्यूमर की वजह से तो वो जिंदा नहीं हो सकता तो उसके बॉडी के ऑर्गन्स निकाल के जो जो नीडी पर्सनस हैं उनको लगाए जा सके उसको डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट हम बोलते हैं तो इसकी संख्या अभी इंडिया में बहुत कम है बहुत कम सेंटर्स पे ही डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट हो पाता है तो ये तो रही ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी थोड़ा मैं इस किडनी डिजीज के बारे में और आपको जानकारी दूंगा एक तो ये कि इसके कारण क्या हैं कारण में सबसे बड़ा कारण आज की डेट में है डायबिटीज़ डायब मोर देन फिफ्टी परसेंट जो किडनी फेलियर है आज की डेट में डायबिटीज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो ये फिगर हो सकता है कि सिक्सटी परसेंट से भी ज़्यादा हो डायबिटीज़ सबसे बड़ा कारण है किडनी फेलियर का उसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होना और ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस एक कंडीशन होती है मेडिकल टर्म है जिसकी वजह से किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं पॉलीसिस्टिक किडनी यानी किडनी की दो, दोनों किडनीज़ में मल्टीपल सिस्ट हो के भी किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं किडनीज़ uh, के रस्ते में कोई रुकावट हो लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन हो जैसे स्टोनस वगैरह की वजह से भी किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं और, और कई बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि हमारी नज़र में नहीं होते और हम लोग सोचते नहीं हैं उसके बारे में जैसे कि फ्रीक्वेंट पेन किलर खाने से भी किडनीज अफेक्ट हो सकती हैं तो ये भी और एक कारण हो सकता है आज की डेट में इंडिया में लाखों लोग जो हैं डायलिसिस uh, पे हैं बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ने वाली है क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा uh, हो चुकी है इंडिया में इंडिया में आज के डाटा के हिसाब से लगभग छः से सात करोड़ लोग जो हैं डायबिटीज से अफेक्टेड हैं तो जैसे जैसे इनकी डायबिटीज़ uh, uh, की वजह से किडनी डिजीज एडवांस स्टेज पे पहुंचेगी तो बहुत सारे लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों इसलिए अपनी किडनीज़ का ख्याल रखिए शुगर कंट्रोल रखिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए रेगुलर चेकअप कराइए साल में अपना एक एनुअल हेल्थ चेकअप जरूर कराते रहिए किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम लगती है तो टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए पेन किलर्स अपनी मन मर्जी से मत खाते रहिए डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लीजिए थैंक यू वेरी मच सर, एक को कैसे तो किडनी डिजीज से रिलेटेड हो सकते हैं वैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता और एक दिन सडनली उनको पता चला चलता है कि उनकी किडनीज फेल है लेकिन फिर भी कई सिम्टम्स इस तरह के होते हैं जो पहले मरीज अनदेखी कर चुका होता है जिनकी और वो बाद में पता चलते हैं जैसे कि पैरों पर सूजन आना एक किडनी प्रॉब्लम का लक्षण हो सकता है चलने फिरने में सांस फूलना भूख कम लगना वॉमिटिंग होना ये सब आ, सिम्टम्स किडनी डिजीज रिलेटेड हो सकते हैं यूरिन की फ्रीक्वेंसी में चेंज भी किडनी डिजीज की वजह से हो सकता है शुरुआती स्टेज में रात को यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है काफी सारे पेशेंट्स में किडनी डिजीज के अच्छा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है किडनी फेलियर के पेशेंट में ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर बिना किसी नोन कारण के सडनली बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है तो उसको भी किडनी का चेकअप करा लेना चाहिए अपना तो एक आम आदमी जरूर अपना, एक बार चाहिए अपना तो हाँ यंग पेशेंट्स में भी किडनी फेलियर की प्रॉब्लम कॉमन है हालांकि नंबर ज्यादा ओल्ड एज में है बिकॉज डायबिटीज के केसेस जो ज्यादा हैं वो ओल्ड एज के अंदर है लेकिन यंगर में भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में उसमें ज्यादातर ग्लोमलोनिस एक कंडीशन है जिसकी वजह से किडनी फेलियर यंग पेशेंट्स के अंदर होता है तो किस ये, में हर को ये, चाहिए। ये सभी के लिए रिकमेंडेड है कि साल में एक एनुअल हेल्थ चेकअप सबको कराना चाहिए जिसके अंदर एक जनरल ब्लड प्रेशर शुगर और कुछ ब्लड टेस्ट रिलेटेड शुगर किडनी लिवर इन सबसे रिलेटेड हो ये सारी चीजें कराएं यूरिन एग्जामिनेशन साल में एक जनरल हेल्थ पैकेज सभी लोगों को कराना चाहिए और किसी में भी अगर रिपोर्ट में या उसमें एबनॉर्मलिटी आती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर किडनी रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है तो किडनी स्पेशलिस्ट को मिलें थैंक यू